बालाकोट एयर स्ट्राइक की पांचवी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना के शूरवीरों को नमन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, बालाकोट एयर स्ट्राइक की पांचवी वर्षगांठ पर मां भारती के वीर सपूतों और उनके साहसी व शूरवीर सैनिकों को नमन करते हैं। ये एयर स्ट्राइक नए भारत की अतुल्य सामरिक शक्ति, अभेद रणनीतिक कौशल और सैन्य पराक्रम का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों की मदद के आरोप में सुरक्षा बल ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उन चारों को आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार चारों आरोपी लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों के संपर्क में थे। सुरक्षा बल ने गिरफ्तार आतंकवादियों से भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किया है। तो शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश पर शिकंजा कसा है और पुलिस ने बदमाश सैयद मुशर्रफ हुसैन को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया है। आरोपी बदमाश 11 गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। बरेली के फरीदपुर में हुई आरपी की गिरफ्तारी। और ये बात करते हैं आगरा की, जहां पुलिस ने वन विभाग पर हमला मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों आपको बताएं, वन विभाग चंबल नदी से मछली पकड़ने और तस्करी की सूचना मिली थी और इस पर कार्रवाई के दौरान मछली तस्करों ने वन विभाग की टीम को घेर कर हमला कर दिया, जिसमें 5 वनकर्मी घायल हो गए। मामले में कुल मिला के 11 नामजद और 9 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बसौनी थाना क्षेत्र के डाल का पूरा ये गांव का मामला है। अगली खबर जालौन से है, जहां पर पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ठग पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने इस पर शक किया और शक होने पर ही आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की जांच में फर्जी पुलिस वाले ने ठगी की बात कबूल कर ली है। मामला आटा थाना क्षेत्र के भदरेखी गांव का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कानपुर के सारे इलाके में निर्माणाधीन डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट बनकर तैयार हो गई है लगभग, और आज सीएम योगी डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद यहां पर हथियार और कारतूस बनने का काम शुरू हो जाएगा। 41 तरह के हथियार गोले बारूद तैयार किए जाएंगे और देश भर में हथियार और कारतूस की सप्लाई यहाँ से की जाएगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ सेनाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। डिफेंस एंड एयरोस्पेस की फैक्ट्री 202 हेक्टेयर में बनी है।